हेलो नमस्कार बृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, सांसद हैं, इनने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है और नियमित करने की बात की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 28/6/2023 को पत्र लिखा है, भेजा गया। आदेश क्रमांक है 2167। उसमें बोला गया है कि 5 सूत्री मांगों में से अतिथि शिक्षकों की 1 सूत्री मांग को सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और अतिथि शिक्षकों का नियमित करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। गणेश से हैं, सांसद हैं, सदस्य हैं लोकसभा के सतना। इनने प्रीति भेजी गई मुख्यमंत्री के लिए और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात की गई। प्रीति जो भेजी गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। विषय है अतिथि शिक्षकों को नियमित कराए जाने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय में मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ समिति सतना द्वारा 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत कर देश के विभिन्न राज्यों के समान मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित कराए जाने एवं अन्य न्यायिक मांगों पर नियोजित कार्रवाई कराए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत ज्ञापन मूलतः संलग्न माननीय जी से आग्रह है कि संघर्ष समिति के अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अतिथि शिक्षकों को नियमित कराए जाने का कष्ट करें। साधारण भावदीप है गणेश से। इनने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है। इसमें बोला गया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। वो 5 सूत्री मांगे भी रखी है सरकार के सामने कि 5 सूत्री मांगों में से 1 सूत्र मांगे जरूर मांगी जाए और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 28/6/2023 को भेजा गया था शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र। अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया है, जल्दी जवाब आएगा। ठीक है।